लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीबी न्यूज में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आज की 12 बड़ी खबरें। आज लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। 12वीं पास के लिए डाक विभाग में निकली भर्ती। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले यूजर के लिए खुशखबरी, नवंबर की शुरुआती 5 दिन बंद रहेंगे बैंक। हाउसफुल 4 के सेट पे महिला डांसर से हुई छेड़छाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 करोड़ लोगों को लिखेंगे खत। 2 महीने बाद भारत आया स्वामी का नया फोन। विश्व कुश्ती चैंपियन में भारत के नाम एक और पदक। पहली बड़ी खबर, विश्व चैंपियनशिप में भारत ने जीता पदक। विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली चौथी भारतीय बनी पूजा। भारत की पूजा डांडा ने यहाँ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिला फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं रितु फोगाट कांस्य पदक जीतने से चूक गई। पूजा विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की चौथी महिला पहलवान है। पूजा से पहले अलका तोमर ने 2006 जबकि गीता और बबीता फोगाट ने 2012 में भारत के लिए कांस्य पदक जीते थे। दूसरी बड़ी खबर WWE से आ रही है। WWE के फैंस के लिए दुखद खबर है। जी हाँ दोस्तों, WWE का सिकंदर यानी रोमन रेंस ने रिंग छोड़ दिया है। WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को एक गंभीर बीमारी हुई है। WWE रॉ में उन्होंने घोषणा की वो डायग्नोसिस कराने के लिए रिंग छोड़ रहे हैं। रोमन रेंस को ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी हुई है। ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जिससे ब्लड सेल्स काफी बढ़ने लगते हैं। तीसरी बड़ी खबर, 2 महीने बाद भारत में लॉन्च हुआ Xiaomi का Mi 2, इसमें 6GB रैम और उसकी कीमत है 17,999 रुपए। चीनी कंपनी Xiaomi ने इसी साल अगस्त में Mi A2 लॉन्च किया था। उस वक्त इस स्मार्टफोन का सिर्फ एक ही वेरियंट 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया था, लेकिन 2 महीने बाद कंपनी Mi A2 के 6GB रैम 128GB स्टोरेज वारंटी को भी भारत में उतार दिया है। इसकी शुरुआती कीमत कंपनी ने 19,999 रुपए रखी है, लेकिन अभी इसे 2,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ 17,999 रुपए में बेचा जाएगा। इसकी बिक्री Amazon इंडिया MI.com पर शुरू हो चुकी है। बारामूला और अनंतनाग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकी को किए ढेर। बारामूला के खीरी में 2 आतंकी मारे गए। अनंतनाग के अरवानी में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ों में 6 आतंकी मार गिराए। पहली मुठभेड़ बारामूला के खीरी में हुई, यहां 2 आतंकी मारे गए। दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग के अरवानी गांव में हुई, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी को मार गिराया। चित्रकूट स्टूडियो में हाउसफुल 4 के सेट में घुसोहिदों ने महिला डांसर से किया छेड़छाड़। घटना के वक्त सेट पर अक्षय कुमार, बॉबी देवल, रितेश देशमुख थे मौजूद। डांसरों की शिकायत पर मामला हुआ दर्ज, एक आरोपी की पहचान हुई। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग में गुरुवार देर शाम जमकर हंगामा हुआ। अंधेरी स्थित चित्रकूट स्टूडियो में लगे सेट में कुछ सोहिदे घुस गए और एक महिला डांसर के साथ छेड़छाड़ करने लगे। घटना से नाराज डांसर का समूह थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पेट्रोल और डीजल के आज भी घटे दाम, जाने कितनी मिली राहत। पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कटौती का सिलसिला जारी है। इसका फायदा घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने के तौर पर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जारी नरमी का फायदा घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत के तौर पर मिल रहा है। वहीं अगर हम मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 81.10 रुपए, मुंबई में 86.58 रुपए, कोलकाता में 82.95 रुपए, चेन्नई में 84.28 रुपए प्रति लीटर था। वहीं डीजल की बात करें तो 74.80 रुपए, मुंबई में 78.41 रुपए, कोलकाता में 77.65 पैसे, वहीं चेन्नई में 79.09 रुपए प्रति लीटर डीजल। सातवीं बड़ी खबर गवर्नमेंट जॉब को लेकर आ रही है। 12वीं पास के लिए डाक विभाग में निकली भर्ती, ऐसे होगा सिलेक्शन। भारतीय डाक सेवा ने पोस्टमैन और मेलगार्ड के पदों पर भर्ती निकाली है। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग वेस्ट बंगाल के विभिन्न स्थानों पर मौजूद पोस्ट ऑफिस में की जाएगी। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में 266 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में ओबीसी के लिए 158, एससी के लिए 69, एएसटी के लिए 39 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आठवीं बड़ी खबर, वहीं एक बड़ी खबर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आ रही है। दिल्ली के इलाकों में हवा बेहद जहरीले स्तर पर पहुंच गया। CPCB के आंकड़ों के अनुसार फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में भी वायु गुणवत्ता का स्तर गुरुवार को बहुत खराब रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPVC ने शुक्रवार को सुबह वायु गुणवत्ता सूचांक 358 पर दर्ज किया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है।
नौवीं बड़ी खबर, नवंबर की शुरुआती में 5 दिन बंद रहेंगे बैंक। नवंबर के महीने की शुरुआती 2 बड़े त्यौहार आ रहे हैं, एक दिवाली और दूसरा छठ। इन त्योहारों के चलते बैंक में लंबी छुट्टी रह सकती है। RBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 7 नवंबर को दिवाली, 8 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 9 नवंबर को भाई दूज के कारण उत्तर प्रदेश के बैंक बंद रहेंगे। 10 नवंबर को दूसरे शनिवार होने के कारण कई बैंक बंद रहेंगे और 11 नवंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। 10वीं बड़ी खबर, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले एंड्रॉइड यूजर के लिए खुशखबरी, आया जबरदस्त फीचर, चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतरीन और आसान बना देगा स्वाइप टू रिप्ले फीचर, जाने कैसे करेगा काम। व्हाट्सएप 2018 के शुरुआत से ही लगातार अपने यूजर के लिए नए नए फीचर ला रहा है। व्हाट्सएप हमारी ऐसी जरूरत बन गया है, इसीलिए कंपनी इनमें नए अपडेट लाकर चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतरीन और आसान बनाना चाहता है। इसी तरह मैसेजिंग ऐप ने एक और नया फीचर स्वाइप टू रिप्ले पेश कर दिया है। यह फीचर पहले iOS यूजर के लिए मौजूद था और अब इसे Android यूजर के लिए भी अपडेट कर दिया गया है। 11वीं बड़ी खबर, यौन शोषण के आरोप में घिरे अभिनेता आलोक नाथ को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। आलोक नाथ की याचिका भी खारिज, कोर्ट ने कहा सोशल मीडिया पर पोस्ट अभिव्यक्ति का अधिकार है। कोर्ट ने आलोक नाथ की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में आलोक नाथ ने मांग की थी विनीता नंदा द्वारा सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट पर रोक लगा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत आता है। कोर्ट का यह भी कहना है कि विनीता को किसी भी प्लेटफॉर्म पर बोलने की आजादी है। 12वीं बड़ी खबर, मोदी 10 करोड़ लोगों को खत लिखकर दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर स्कीम के फायदे बताएंगे। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सरकार ने योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 1.5 लाख आरोग्य केंद्र और 25 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि योजना से लाभ पाने वालों को इसके बारे में खास जानकारी नहीं है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि उन्हें हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। धन्यवाद।